नमस्कार, मैं हूँ पोयम डालमिया और आपसे बात कर रही हूँ सेलेनाइट बाउल के बारे में। जैसे हम डेली नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही हमारे जो स्टोन्स हम पहनते हैं, चाहे वो रूबी हो, पर्ल हो, रेड कोरल हो, एमेरल्ड हो, ब्लू सफायर हो, या और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं या क्रिस्टल्स हैं, जब हम पहनते हैं तो उनको भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जब एक कपड़े को जब बार बार पहनते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम का भी कारण बन सकता है, बीमारी का भी कारण बन सकता है। ऐसे ही हम जब नहाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम डेली नहीं नहाएं तो हमारे शरीर को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब हम स्टोन पहनते हैं अलग अलग तरीके का, हम डायमंड पहनते हैं या क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो उनको भी हमें क्लीन करना होता है, उनको चार्ज करना होता है। क्योंकि जब वो स्टोन हमारी जब बॉडी से, बॉडी के किसी भी पार्ट से टच होता है, तो उसकी जो लाइट है, जब लाइट पड़ती है उस स्टोन के ऊपर, और तो वो हमारे चक्रास हैं या हमारे रिलेटेड प्लैनेट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, चार्ज करता है। तो प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, चार्जिंग बहुत ज़रूरी है हमारे स्टोन्स की। इसके लिए सेलेनाइट बाउल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इस सेलेनाइट की कटोरे में अपने जो भी स्टोन हैं उनको इजीली चार्ज कर सकते हैं, अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, और आप जो भी ज्वेलरी पहनते हैं वो कुछ कुछ टाइम के बाद, डे के हिसाब से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ। जैसे अगर आप पन्ना पहन रहे हैं डेली, तो पन्ना को आप चार्ज करने के लिए इस सेलेनाइट बाउल में ही थोड़ा सा तुलसी बेसिल लीफ भी साथ में रख देंगे, और 40 मिनट के बाद आप इस सेलेनाइट बाउल से अपने एमेरल्ड को निकालेंगे और पहन लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने माणिक पहना है, रूबी पहना है, तो माणिक जो है वो संडे को चार्ज करेंगे। तो आपने सेलेनाइट बाउल में अपने माणिक को, रूबी को निकाल के रखा, 40 मिनट के बाद में आपने इसको वॉश करके पहन लिया। इस तरीके से अगर हम ब्लू सफायर की बात करें, नीलम की बात करें, तो नीलम को हम शाम को चार्ज करेंगे, सनलाइट में चार्ज नहीं करेंगे। तो आपने फ्राइडे को सेलेनाइट बाउल में अपने जो ब्लू सफायर है या शनि से रिलेटेड कोई स्टोन आप चार्ज करना चाहते हैं, तो आपने फ्राइडे को मंदिर में रख लिया सेलेनाइट बाउल में। थोड़ा सा इसमें रॉक सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं, और ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन आप इसको पहन लेंगे। तो ये बहुत क्विक चार्जिंग है, मतलब इसमें आपको अलग से कोई ऐसे मंत्रास की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल 3-4 क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने हैं, एक साथ आप सेलेनाइट बाउल के अंदर अपने क्रिस्टल्स को रख देंगे और 1-2 घंटे के बाद आप उनको पहन लेंगे। क्योंकि सेलेनाइट क्लीनिंग का भी काम करता है और साथ में क्विक चार्जिंग का भी काम करता है। तो ये सेलेनाइट बाउल हमारे पास भी अवेलेबल है स्टॉक में, बहुत अच्छा गिफ्ट है ये। आप क्योंकि ज्वेलरी तो सभी लोग पहनते हैं, क्रिस्टल्स भी आजकल मोस्टली लोग पहन रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन चार्जिंग बहुत ज़रूरी है, इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, इनको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सेलेनाइट बाउल बहुत अच्छा गिफ्ट है, हमारे पास भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी लोगों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करिए, जिससे बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।